पोस्टर्स देखे होंगे वांटेड पोस्टर्स, क्योंकि दुर्गा रानी सिंह जो किरदार मैं कहानी टू में निभा रही हूँ वो फरार है, उस पर आरोप लगा है कि उसने अपहरण और मर्डर किया है, पर क्या ये सच है नहीं सच है मुझे नहीं पता, उसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। पर आज हमने माहौल ऐसा बनाया कि जेल के अंदर हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए और मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मैं हम इतने सारे इंटरव्यूज़ करते हैं दिन में कि जब मैं कैरेक्टर में पेश होती हूँ तो मुझे ये छूट मिलती है कि मैं उसके साथ थोड़ा कुछ खेलूँ। जैसे मैं कभी दौड़ने की कोशिश कर रही थी, भागने की कोशिश कर रही थी, हथकड़ी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तो थोड़ा इंटरव्यू में थोड़ा मज़ा आता है। ये बहुत ही लूज हथकड़ी है, ऐसी निकल जाती है तो किसकी हथकड़ी लेकर आए मुझे नहीं पता, पर मैं इसीलिए बहुत, किसी ने मुझसे कहा कि हथकड़ी पहन लो तो मैं आराम से पहन लेती हूँ, कहती हूँ कि चलो ले जाओ मुझे, क्योंकि हाथ पकड़ते ही मैं हाथ छुड़ा लूँगी। अर्जुन के साथ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे एक्टर हैं और आजकल बहुत अलग अलग रोल्स कर रहे हैं। इसमें भी आई थिंक इस तरह के रोल में मैंने अर्जुन को पहले नहीं देखा, मैंने उनकी सारी फिल्में नहीं देखी है, तो शायद मैं गलत हो सकती हूँ, पर जहाँ तक मुझे पता है। और उनकी हंसी मुझे बहुत अच्छी लगती है, हाँ बहुत अच्छी लगती है, जब वो हंसते हैं ना मेरी हंसी छूट जाती है, तो सेट पे, और वो हंसते बहुत हैं, हर बात पे हंसते हैं, तो वो हंसते और फिर मैं हंसती और फिर वो हंसते और फिर मैं हंसती। और बाकी भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं इस फिल्म में, खुराज मुखर्जी हैं जो कहानी में भी थे और इसमें भी हैं, वो इतने बेहतरीन एक्टर हैं, जब भी वो कुछ करते हैं आपको कभी नहीं लगेगा कि वो एक्ट कर रहे हैं। उनके साथ परफॉर्म करते वक्त भी कभी कभी मैं स्तब्ध रह जाती हूँ कि अरे ये क्या कर दिया उन्होंने, छोटी छोटी चीज़ें। वो थिएटर के बहुत मशहूर एक्टर हैं, फिल्में, बंगाली फिल्में बहुत करते हैं, गायक भी हैं, तो आई रियली इन्जॉयड वर्किंग विथ हिम अगेन। नाइशा है एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची, बहुत होशियार बच्ची है, मतलब शुजॉय उसको छोटी सी बात कहते थे शॉर्ट में तुमको ये करना है और वो ऐसे कर जाती थी, इतनी प्यारी बच्ची भी है, बहुत बातूनी है, पर ऑफकोर्स कैमरा के सामने जो भी शुजॉय कहते वो कर जाती और कभी अपने लाइंस नहीं भूलती। उसके साथ बहुत अच्छा रहा, इट्स हाई टाइम हमने इतना सपोर्ट किया अब सबको इतने सालों से, अब सपोर्ट कीजिए हमें, दैट्स द लीस्ट यू कैन डू। और सब अच्छी कहानियाँ, सबको लालच रहती है अच्छी कहानी का एक हिस्सा बनने का, हम सभी एक्टर्स को, तो अगर वो समझदार है तो ये करेंगे। क्योंकि देखिए 2 दिसंबर तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जेबों में बहुत सारे पैसे होंगे और आप बहुत खुश होंगे इस बात को लेकर और थिएटर में जाएंगे और खुशी खुशी कहानी 2 देखकर आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि इट्स कहानी 2। थैंक यू।